everyone, this is Mrigya of Mrigya's Food Story. Welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग काली मिर्च. This is my version and it's also famous in Lucknow. थोड़ा सा मैंने रेसिपी में कुछ चेंजेस किए हैं बट ये हमारे रेस्टोरेंट में बहुत फेमस है. सो आज सीखते हैं मुर्ग काली मिर्च बनाना. मुर्ग काली मिर्च के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है, लेट्स स्टार्ट विद द मैरिनेशन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू मैरिनेट द चिकन. सो इसके लिए हम कर्ड ले रहे हैं जो कि मैंने यहां पे 8 टेबलस्पून लिया हुआ है. अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. पीसी हुई हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. सॉल्ट, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बट आई एम टेकिंग 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. इलायची पाउडर, ये अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ही इलायची को कूट के पाउडर बना सकते हैं. इसको गाइस बहुत ज्यादा नहीं डालना है अदरवाइज इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा हो जाएगा. कश्मीरी लाल मिर्च, दालचीनी पाउडर, चिकन टिक्का मसाला. अगर आपको टिक्का मसाला नहीं डालना है तो वो भी आपकी चॉइस है. कुटी हुई काली मिर्च जो कि इसका डोमिनेंट फ्लेवर है तो हमें इसको थोड़ा ज्यादा लेना है. लेमन जूस, सरसों का तेल. बेसिकली सरसों का तेल डालने से क्या होगा, जो आपका चिकन है उसमें मॉइस्चर होगा तंदूर करते समय और अलग सा एक फ्लेवर आएगा. मिक्स वेल एंड कीप इट फॉर समवेयर अराउंड 1 to 2 hours. गाइज अभी से इतना अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें. आई एम श्योर यू विल लव इट एज माय ऑल द गेस्ट इन रेस्टोरेंट दे रियली लव इट. सो लेट्स कीप द चिकन फॉर मैरिनेशन. सो गाइज हमारा चिकन ऑलरेडी मैरिनेट हो चुका है. हमने इसको 1 घंटे मैरिनेट किया था. मैंने ये 700 ग्राम चिकन लिया है. अब हम चिकन को अपनी रोस्टिंग ट्रे में लगाएंगे और इसमें हम पहले हल्के से सरसों के तेल के साथ में, यू कैन टेक एनी ऑयल, थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे ताकि हमारा चिकन इस पे स्टिक ना करे. हमने अपना चिकन ट्रे में लगा लिया है. अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में रखेंगे. हमने इसको प्री हीट किया है तंदूर ऑप्शन पे. अब हम चिकन को थोड़ा सा श्रेड करेंगे. एक्चुअली ये इसका स्टाइल है, इसको ऐसे ही बनाना है हमने. विद बोन्स भी रहेगा, श्रेड भी हो जाएगा और ये छोटे छोटे पीसेस में आपको खाने में भी अच्छा लगेगा. और गाइज ये हमारे लखनऊ में बड़ा फेमस है चिकन काली मिर्च. आप यहाँ किसी भी लोकल रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे आपको ये जरूर मिलेगा, इसी पैटर्न में मिलेगा. बट हर रेस्टोरेंट का अपना एक वेरिएशन है. जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट में कुछ इसका डिफरेंट वेरिएशन है, कहीं और पे कुछ और वेरिएशन है. सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल प्रोसेस. अब हम अपने ग्रिलिंग पैन में ये बटर डालेंगे. और हम इसमें अब चिकन डालेंगे. सो गाइज मैंने ये थोड़ा सा अपना मैरिनेशन का बैटर बचा के रख लिया था, जरा सा जो था कर्ड. अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी.
अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, और मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी और डालूंगी। हम डालेंगे इसमें घी, 2 tablespoons ऑफ घी। So I'll be plating it now and we will taste it. Let's garnish it with some coriander. It's looking so yum. So guys, our chicken kali mirch is ready. And taste test, who's gonna do it? I will be doing it. So let me taste it. Wow, it's yum. एंड काली मिर्च का जो टेस्ट है ना, वो एकदम से आपको अलग से फील होगा। टू गुड, एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनेट, ऑल द स्पाइसेस, फ्लेवर्स, एवरीथिंग टू गुड गाइज। प्लीज ट्राई इट एट होम। कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए आप इसको जरूर बनाइए, और अगर आप इस डिश को बनाते हैं सो प्लीज शेयर इट विद माई इंस्टाग्राम आईडी। Please tag Mrigya's Food Story, and also if you like this recipe, please like, share, subscribe my channel Mrigya's Food Story, and also don't forget to press the bell icon to get notified. Till then, bye. So guys, if you like this recipe, please do share, like and subscribe the YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notified.